नमस्कार शिक्षार्थियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के परास्नातक कार्यक्रम के अंतर्गत आहार विज्ञान एवं पोषण विषय में आज हम बात करेंगे वसा के पाचन अवशोषण एवं वसा के कार्यों के बारे में। बात करते हैं वसा के पाचन एवं अवशोषण की। वसा जब आहार में लिया जाता है तो मुंह तथा आमाशय में वसा की कोई पाचन क्रिया नहीं होती, क्योंकि मुंह तथा आमाशय में वसा पर क्रिया करने वाले कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होते। भोजन में वसा की मात्रा यदि अधिक होती है तो भोजन आमाशय में अधिक देर तक रोक कर रखा जा सकता है। इसी कारण पेट अधिक समय तक भरा हुआ महसूस होता है। जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में लाया जाता है तो अग्न्याशय में बनने वाले रस वसा पर क्रिया करने वाले लाइपेज एंजाइम तथा पित्त रस भोजन की वसा पर क्रिया करके वसा को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देते हैं, जिससे वह अवशोषित होता है। इन्हें काइलोमैक्रॉन्स कहते हैं और यह लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका वाहिनियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। काइलोमाइक्रोन्स की कुछ मात्रा वसा ऊतकों द्वारा ली जाती है। यहाँ यह ट्राइग्लिसराइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं और वसीय ऊतकों में जमा हो जाते हैं। वसा पाचन क्रिया द्वारा आंतों में ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल में बटकर आंत में प्रवेश करते हैं तथा पूरे शरीर के विभिन्न कार्यों के उपयोग में लाए जाते हैं। जो भी अतिरिक्त वसा होती है वह शरीर से एडिपोस टिश्यूज यानी एडिपोस वसा के रूप में जमा हो जाती है, और यह वसा से तब ऊर्जा मिलती है जब व्यक्ति फास्टिंग की स्थिति यानी कि भूखे रहने की स्थिति में होता है। शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होने की स्थिति में यह पुनः ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आहार में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ण कमी की दशा में वसा का चयापचय बढ़ जाता है, जिससे कीटोन पदार्थों की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। इस स्थिति को कीटोसिस कहते हैं। और हेल्थ की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कीटोसिस की जो कंडीशन होती है वह अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो कीटोन पदार्थ होते हैं वह रक्त में चलकर हमारे ब्रेन में पहुंच सकते हैं और व्यक्ति कोमा की स्थिति में जा सकता है। वसा के कार्यों की बात करते हैं। वसा का सर्वप्रथम प्रमुख कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। जैसा हम जानते हैं कि वसा ऊर्जा का संग्रहित रूप है और 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से मिलने वाली ऊर्जा की दुगनी मात्रा से भी अधिक है, तो यह ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। ऊर्जा का संग्रह करना। शरीर में जो भी अतिरिक्त वसा की मात्रा होती है वह एडिपोस टिश्यू के रूप में उपस्थित रहती है और आवश्यकता के समय यह संचित वसा ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रयुक्त होती है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करना। त्वचा के नीचे वसा की एक सामान्य परत रहती है, जिसके कारण शरीर का तापक्रम बाह्य वातावरणीय प्रभाव से नियंत्रित बना रहता है। वसा हमारे शरीर में ताप अवरोधक का कार्य करती है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। फिर है वसा में घुलनशील विटामिनों की प्राप्ति। वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई तथा के, इनके अवशोषण के लिए आहार में वसा का लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर आहार में वसा की कमी होगी तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते और इनकी कमी हो सकती है। आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करना। शरीर के लिए कुछ आवश्यक वसीय अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो पाते, जैसे लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड्स, इनकी पूर्ति भोजन द्वारा होती है। शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना। वसा शरीर के कोमल अंगों जैसे फेफड़ों, हृदय, यकृत आदि, इनके बाहर एक गद्देनुमा रचना बनाकर बाहरी आघातों से उनकी रक्षा करता है। यह इन अंगों को चोट, तापमान में परिवर्तन तथा आघात आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। अधिक अवधि तक संतुष्टि प्रदान करना। वसा पाचन जो रस होते हैं उनके स्राव को धीमा करती है, अतः अधिक देर तक भूख नहीं लगती तथा भोजन की संतुष्टि महसूस होती रहती है। प्रोटीन की बचत करना। शरीर में प्रोटीन एक मुख्य निर्माणक तत्व है, जो कोशिकाओं के क्षय की निरंतर क्षतिपूर्ति करता रहता है। यदि कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती तो यह कार्य प्रोटीन करता है, परंतु यदि आहार में वसा उपस्थित है या शरीर में वसा उपस्थित है तो वह प्रोटीन को ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होने से रोकता है और इस प्रकार प्रोटीन की बचत होती है। भोजन को स्वादिष्ट बनाना। वसा जो भोज्य तत्व होते हैं वह विशिष्ट स्वाद व गंध वाले होते हैं और यह भोजन में स्वाद प्रदान करते हैं, अतः वसा स्वाद वर्धन का कार्य भी करती है। जैसे हम यह महसूस करते हैं कि जो तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं वह अधिक स्वादिष्ट लगते हैं। आमाशयिक व आंत्रमार्ग को चिकना बनाए रखना। वसा आमाशयिक व आंत्रमार्ग की मांसपेशियों को चिकना बनाए रहने में सहायक होती है, जिससे आंतों की पेशियां सुगमता से फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। वसा की अधिकता के क्या प्रभाव हो सकते हैं? सबसे पहला है मोटापा। यदि आहार में वसा बहुत अधिक होती है, हम वसा का सेवन अतिरिक्त करते हैं और आहार में बहुत ज्यादा वसा में जो खाद्य पदार्थ रहता है उनको लेते हैं, तो यह अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में एडिपोस टिश्यूज के रूप में संग्रहित होने लगती है
और धीरे धीरे यह मोटापे को जन्म देती है। शरीर के जो अंदरूनी अंग होते हैं जैसे फेफड़े, गुर्दे, यकृत, हृदय, इनके ऊपर वसा की परत चढ़ने लगती है और यह मोटापा कहलाता है। हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं वसा की अधिकता से, बहुत ज्यादा वसा लेने से जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और खासकर जब हम प्राणिज वसा का अधिक सेवन करते हैं तो उस स्थिति में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है और यह धीरे धीरे रक्त धमनियों के अंदर जमा होने लगता है जिससे रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और रक्त का दबाव बढ़ जाता है जिसको हम हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। और यह एक घातक स्थिति है क्योंकि इसके वजह से व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है, तो इसलिए आहार में वसा को सीमित मात्रा में लेना आवश्यक है। वसा की अधिकता से मधुमेह या डायबिटीज भी हो सकती है। आहार में बहुत अधिक वसा से ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और इससे शरीर में बहुत ज्यादा जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ सकती है और इससे डायबिटीज रोग होने की या मधुमेह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। वसा की कमी से भी कई सारे जो लक्षण हैं वो दृष्टिगत होते हैं। सबसे पहले वसा की कमी होगी तो आहार में जो आवश्यक वसीय अम्ल हैं वो शरीर को नहीं पहुंचेंगे आहार से, तो जो आर्किडोनिक, लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड है इनकी कमी हो जाएगी और इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है और त्वचा में विभिन्न रोग हो सकते हैं। बच्चों और प्रौढ़ों में त्वचा की बीमारी हो सकती है जिसमें पीठ, पेट और टांगों में बाहरी तरफ छोटे छोटे नुकीले दाने निकल जाते हैं और इस स्थिति को हम टोट स्किन कहते हैं। वसा की कमी से त्वचा सूखी और कांतिहीन हो जाती है और डर्मेटाइटिस और एक्जिमा जैसे त्वचा रोग हो सकते हैं। आहार में यदि वसा की कमी होगी तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होंगे उनकी भी कमी हो जाएगी और विटामिन ई के अवशोषण में भी बाधा आती है जिससे प्रजनन संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आहार में जो वसा होती है उसके सेवन हेतु कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे जो अनुशंसित आहारी भत्ते हैं उसके अनुसार ही आहार में वसा की मात्रा लेनी चाहिए, आहार का जो वसा है उसमें उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए। खाना पकाने के लिए जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं वह बदलना चाहिए, एक से अधिक स्रोत का प्रयोग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लांट ऑयल ही यूज करें। घी, मक्खन और वनस्पति का सीमित मात्रा में प्रयोग करें। आवश्यक वसीय अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल जो युक्त खाद्य पदार्थ हैं जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, मेथी के बीज, सरसों के बीज, इनको आहार में लेना चाहिए। मांसाहार यदि हैं तो मछली का सेवन अधिक करना चाहिए। कम वसा या सपरेटा दूध या जिसको हम टोंड मिल्क कहते हैं इसका प्रयोग अधिक करना चाहिए। भोजन में कौन कौन से स्रोत होते हैं वसा के? वसा वनस्पति और पशु जगत दोनों ही वर्गों से प्राप्त की जा सकती है, तो इसकी प्राप्ति के मुख्यतः दो साधन है, पशुजन्य वसा और वनस्पतिक वसा। पशुजन्य वसा या एनिमल फैट, इसके स्रोतों के अंतर्गत दूध, दूध से बने हुए सभी उत्पाद, मांस, मछली, अंडे का पीला भाग, ये सब वसाएं आती हैं। जो प्लांट फैट्स होते हैं उसमें अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, बिनौला आदि इनके तेलों के और विभिन्न प्रकार के बीजों और सूखे मेवे में जो वसा पाई जाती है वो आती है। इसके अतिरिक्त जो अनाज होते हैं इनमें भी कुछ मात्रा में वसा पाई जाती है। दालों में यदि हम बात करें तो सोयाबीन में बहुत अच्छी मात्रा में वसा पाई जाती है। इस तालिका में हम देखेंगे कि किस जो वसीय अम्लों के प्रकार हैं उनके क्या क्या उदाहरण हैं और प्रचुर मात्रा में उनसे कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं। छोटी श्रृंखला के जो वसीय अम्ल हैं जैसे ब्यूटारिक, ये घी, मक्खन, क्रीम, पनीर में पाए जाते हैं। मध्यम श्रृंखला वसीय अम्ल जो हैं जैसे कैप्रिक और कैप्रिलिक, ये भी घी, मक्खन, क्रीम, नारियल तेल, ताड़ के तेल में मिलते हैं। जो संतृप्त वसीय अम्ल हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, सभी प्रकार के जो एनिमल फैट्स हैं जो घी, मक्खन और हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं, अंडे का पीला भाग, इसमें मिलते हैं। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे ओलिक एसिड जो है वह ताड़ का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून, चावल की भूसी, कपास के बीज, इनमें मिलते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलिक, अल्फा लिनोलिक और एरेकिडोनिक एसिड, ये सब जो नारियल तेल में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वनस्पति तेल जैसे कॉर्न ऑयल, कुसुम और सूरजमुखी के तेल या मछली के तेल, इसमें अच्छे से मिलते हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स जिसके बारे में हमने बात करी, जो आहारीय दृष्टि से अच्छे नहीं होते, हेल्थ की दृष्टि से उतने अच्छे नहीं होते, वह हाइड्रोजनेटेड फैट होते हैं, जितने भी जो भी बेकरी जो फैट्स होते हैं, मार्जरीन, इन सब में मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है, जो आहारीय कोलेस्ट्रॉल है उसका मुख्य स्रोत है अंडे का पीला भाग, मांस,
जिसमें मुख्य रूप से लिवर और गुर्दा, मस्तिष्क, दूध की वसा और झींगा इसमें मिलते हैं। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड मिलते हैं अंडे के पीले भाग, गेहूं के जो जर्म होता है, जर्म ऑयल जो होता है, गेहूं का अंकुर, मूंगफली, सोयाबीन और यकृत में। इसका मुख्य उदाहरण है लेसिथिन। तो शिक्षार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने वसा के जो स्रोत हैं उनमें मुख्य रूप से बात करी। धन्यवाद।